पनीर खाना हम सबको पसंद होता है। आपने अब तक पनीर की कई रेसिपी का आनंद लिया होगा, लेकिन आज मैं जो रेसिपी बताने जा रही हूँ उसका स्वाद पनीर के अदर डिशेज से काफ़ी अलग है। इसके प्रिपरेशन में मैंने ड्राई फ्रूट्स और गार्लिक का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है जो इसे सुपर टेस्टी बना देता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये यूनिक पनीर हंगामा की रेसिपी। पनीर हंगामा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम पनीर लिया है। पनीर की कोटिंग करने के लिए हाफ बाउल मैंने मैदा लिया है, हाफ बाउल मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, थोड़ा सा नमक और बैटर बनाने के लिए पानी लिया है। पनीर के अलावा मैंने यहाँ पर दो प्याज को लंबे कट कर लिए हैं, साथ ही येल्लो रेड एंड ग्रीन कलर का कैप्सिकम लिया है। कैप्सिकम को भी प्याज के जैसे ही सेम कट किए हैं, कटिंग आप डाइस में भी कर सकते हैं। ग्रेवी के लिए मैंने 15 से 16 लहसुन को छील लिया है, 5 से 6 खड़ी लाल मिर्च लिया है, 7 से 8 आलमंड और 13 से 14 काजू लिया है, 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप लिया है और 1 टेबलस्पून सोया सॉस लिया है। इन सभी का हम डिफरेंट तरीके से ग्रेवी बनाएंगे। एक बड़े बाउल में मैदा और कॉर्नफ्लोर इक्वल अमाउंट में डालेंगे, नमक डाल देंगे, थोड़े थोड़े पानी डाल के इसका गाढ़ा बैटर तैयार कर लेंगे जैसा पकौड़े के लिए बनाते हैं। मिक्स करने के बाद बैटर मेरा कुछ इस तरह से रहेगा। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब पनीर की कटिंग कर लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसे कट कर लें। मैंने यहाँ पर लंबे कट किए हैं क्योंकि मैंने प्याज और कैप्सिकम को भी इसी तरह कट किया है। पनीर को बैटर में इस तरह से डीप करके मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। सारे ही पनीर को दोनों साइड से गोल्डन फ्राई करके निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं पनीर कितनी करारी लग रही है। एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसे गर्म कर लेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए तब इसमें कटी हुई लहसुन डाल देंगे, थोड़े चलाने के बाद ही लाल मिर्च डाल देंगे, साथ ही काजू और आलमंड डाल के भी सॉटे कर लेंगे। काजू जब हल्के ब्राउनिश दिखने लगे तब इसमें हम 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप डालेंगे। केचप डालते वक्त फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। टोमेटो केचप जब इसमें मिक्स हो जाए तब गैस ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा करके इसकी प्यूरी बना लेंगे। वापस से कढ़ाई गर्म करेंगे और इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो जाने पर प्याज डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर ही प्याज को हम सॉटे करेंगे। अब इसमें सारे कैप्सिकम डाल देंगे, स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे सॉटे कर लेंगे। 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाल देंगे। गैस की फ्लेम को अभी लो करके इसे चला लेंगे। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे और 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप भी डाल के 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें लहसुन काजू वाली पेस्ट जो हमने तैयार किया था उसे डाल देंगे। थोड़े से पानी ऐड कर देंगे। ग्रेवी वाले बाउल से ही मैंने हाफ बाउल पानी डाल दिया है। एक उबाल आ जाने के बाद फ्राइड पनीर डाल देंगे। ग्रेवी में एक उबाल आ गए हैं तो इसमें सारे पनीर ऐड करेंगे। पनीर को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ग्रेवी की मस्त वाली टेस्ट पनीर के अंदर तक चली जाए। तो ये हमारा पनीर हंगामा रेडी है। थोड़ी देर इसके ऊपर लीड लगा कर छोड़ देंगे ताकि ये बहुत ही फ्लेवरफुल हो जाए। ये रेसिपी बहुत ही डिफरेंट है और यम्मी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब करें और सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि मैं इस तरह की यूनिक रेसिपी आपके लिए लाती रहती हूँ।